गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिनका अंतिम संस्कार उचित प्रकार से नहीं होता है, वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। अपनी इच्छाओं और वासनाओं के कारण भी जीवात्मा भटकता रहता है, और जहाँ व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, वहाँ उसकी मौजूदगी बनी रहती है, और ऐसी जगह पर नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जो कई तरह की अनहोनी घटनाओं को अंजाम देकर यह संकेत देती है कि यह जगह सामान्य नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूहों का बसेरा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग यहाँ जाने से डरते तो जरूर हैं। अगर आप न्यू ईयर में कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो भारत के इन जगहों के बारे में पहले जान लें। आज हम ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर लोग सिर्फ नाम से ही जाने से कतराते हैं। आइए जानते हैं भारत के 10 राज्यों के 10 सबसे डरावने स्थानों के बारे में। नंबर 1 पर है ब्रिज राजभवन, राजस्थान। राजस्थान के कोटा शहर में ब्रिज राजभवन नाम के एक हेरिटेज होटल है, जो 4 दशक पहले तक एक पुरानी हवेली हुआ करता था, और यह हवेली 180 साल पुरानी है। इस होटल में देश दुनिया से पर्यटक आते हैं, लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही एक आहट सी होती है। वो आहट है यहाँ पर वास करने वाली आत्मा की। कहा जाता है कि ब्रिज भवन में एक अंग्रेज की आत्मा आज भी वास करती है। वो अंग्रेज का नाम था मेजर बूटन, जो उसी हवेली पर अपने परिवार के साथ रहता था। 1857 के विद्रोह में भारतीय सिपाहियों ने उन्हें अपने परिवार समेत मार डाला था उसी हवेली के सेंट्रल हॉल में। तब से उनका आत्मा ब्रिज राजभवन पैलेस में भटक रही है। इस बात की पुष्टि 1980 में कोटा की पूर्व महारानी ने की, जो मेजर बूटन के हत्या के बाद उसी हवेली में रहती थी। उन्होंने ब्रिटेन के एक पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कई बार अपने डाइनिंग रूम में मेजर के भूत को देखा है। अभी भी यहाँ पर काम करने वाले लोग बताते हैं कि अक्सर छत या बगीचे में किसी की चलने की आवाज आती है। यहाँ के चौकीदार काम करने के दौरान अगर सो जाए तो उनको कोई अदृश्य हाथ थप्पड़ मारते हैं। हालांकि इस आत्मा ने कभी भी किसी को क्षति नहीं पहुंचाई। नंबर 2 पर है डूमस बीच, गुजरात। कहा जाता है कि गुजरात की समुद्री तट पर स्थित डूमस बीच में एक अशुभ हवा बहती है। लोग यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस करते हैं। इस बीच पर टहलना कोई अच्छी बात नहीं। आज तक कई टूरिस्ट यहाँ पर गायब हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बीच पर रूहों का बसेरा है। सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देगी। इस बीच का रेत सफेद नहीं बल्कि काली होती है। उसके उपरांत यहाँ पर लाशों को जलाई जाती है। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है या जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर बसेरा कर लेती है। नंबर 3 पर है डाउ हिल फॉरेस्ट, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लोकप्रिय हिल स्टेशन दार्जिलिंग में भी कोई भूतिया जगह हो सकता है, विश्वास नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ की 100 साल पुराना विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल में भूतों का निवास है। जब स्कूल बंद रहता है तब अंदर से फुसफुसाने की आवाज़ और चलने की आवाज़ आती है। स्कूल के पास का दाव हिल जंगल और भी भयानक है, जहाँ पर कई लोगों का हत्या हुआ है। यह जंगल प्राकृतिक तौर पर भी बहुत भयानक है। यहाँ का सबसे डरावना कहानी है एक बिना सिर के लड़के की। जंगल के बीच में से गुजरने वाले एक रास्ते में लोगों ने एक बिना सिर के लड़के को कई बार देखने की दावा किया है, जो रास्ता पार होकर जंगल में गायब हो जाता है। जंगल में प्रवेश करते ही आपको एक अलौकिक अनुभूति घेर लेती है। आपको लगेगा कोई आपका पीछा कर रहा है। पीछे देखने पर कई लोगों को लाल लाल आंखें दिखाई देती है, और जंगल से किसी महिला के चिल्लाने की भी आवाज आती है।
कहा जाता है कि जो लोग ऐसे स्थिति को महसूस करते हैं वो बाद में आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। नंबर 4 पर है दिल्ली कैंटोनमेंट रोड, दिल्ली। दिल्ली कैंटोनमेंट, जिसे सामान्यतः दिल्ली कैंट कहा जाता है, इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने की थी। ये पूरा इलाका एक छोटे से जंगल की तरह दिखाई देता है जिसमें चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में सफेद लिबास पहने एक महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर आप आगे निकल जाते हैं तो ये महिला कार के जितने तेज भागकर पीछा करती है। 100 से भी ज्यादा लोगों ने इस महिला के भूत को देखने की पुष्टि की है। हालांकि आज तक किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोई खबर नहीं है। लोगों का कहना है कि शायद ये किसी महिला की आत्मा है जिसकी मृत्यु इसी इलाके में हुई थी। इस सड़क से गुजरने वाले सभी यात्री को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि अगर कोई लिफ्ट मांगे तो अपना वाहन ना रोके। नंबर 5 पर है टनल नंबर 33, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला ट्रेन मार्ग पर बेड़ोग रेलवे स्टेशन के पास एक सुरंग है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था। इस टनल को पार करने में एक ट्रेन 2.5 मिनट लेती है। ब्रिटिश काल में कर्नल बेड़ोग नाम का एक ब्रिटिश इंजीनियर था जिसे इस टनल को बनाने का जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उनके हिसाब और सुरंग के निर्माण में एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। ब्रिटिश सरकार ने पैसे की बर्बादी के लिए कर्नल पर जुर्माना थोप दिया। मजदूरों ने भी बहुत खड़ी कोती सुनाई। इंजीनियर इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया और एक दिन सुबह खुद को गोली मार ली। बाद में बेड़ोग को अर्धनिर्मित टनल के सामने ही दफना दिया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस टनल में आज भी इंजीनियर की आत्मा घूमती है। यही कारण है कि रात के वक्त इस टनल के पास कोई नहीं जाता। वास्तव में भी यह टनल बेहद खौफनाक है। अगर टनल के अंदर लगी सारी लाइट बुझा दी जाए तो अंदर बेहद डरावना मंजर होता है।